दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 29 जुलाई 2018 और 29 जुलाई 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये था, हाल ही में निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने किस देश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों हाल ही में निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने फ्रांस देश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रांस। इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, नवीनीकरणीय ऊर्जा में श्रेष्ठ राज्य कौन सा है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में श्रेष्ठ राज्य है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्च्यून की 40 युवा प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों फॉर्च्यून की 40 युवा प्रभावशाली लोगों की सूची में कुल 4 भारतीय मूल व्यक्तियों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा डी आपका, 4। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और माई गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर नई तकनीक को पंजीकृत करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और माई गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर नई तकनीक को पंजीकृत करने के लिए इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 6वीं भारत पर्यटन विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो हाल ही में 6वीं भारत पर्यटन विज्ञान और नवाचार परिषद की 4थी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सॉरी, 6वीं भारत यात्रा पर्यटन के नवाचार परिषद की बैठक है जो नई दिल्ली में आयोजित की गई। आंसर हो जाएगा आपका ए, नई दिल्ली। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई है जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हाल ही में वर्ष 2018 के रेमन मैक्स पुरस्कार की घोषणा हुई है जिसके संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं। पहला कथन ये है कि इस बार इसके लिए 2 भारतीयों को चुना गया है। दूसरा कथन है भरत वाटवाणी को इसके लिए चुना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, सी है, सोनक वांगचुक को इसके लिए चुना गया, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान आम चुनाव में इनमें से कौन सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। तो दोस्तों पाकिस्तान आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रह पर जमीन के नीचे 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान लगाया गया है। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान है। आंसर हो जाएगा आपका डी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में जारी वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को 6वां स्थान प्राप्त है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में संपन्न पाकिस्तान चुनाव में जनरल सीट पर चुनाव जीतने वाले पहले हिंदू नेता बन गए हैं। तो हाल ही में संपन्न पाकिस्तान चुनाव में जनरल सीट पर चुनाव जीतने वाले पहले हिंदू नेता बन गए हैं डॉक्टर महेश कुमार मलानी। आंसर हो जाएगा आपका सी, ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस बैंक को 16 साल में पहली बार घाटा हुआ है? तो दोस्तों इनमें से ICICI बैंक को 16 साल में पहली बार घाटा हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ICICI बैंक। देश के प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक यानी ICICI बैंक को तिमाही नतीजों में 16 साल में पहली बार घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही अप्रैल जून तिमाही में ICICI बैंक को 119.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने सरकारी बैंक कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर सैलरी देने का फैसला किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों ने बैंक कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर सैलरी देने का फैसला किया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों बैंकों ने। देश के तीन सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश के सरकारी बैंकों के अधिकारियों की सैलरी उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विप्रो को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी बन गई है? तो विप्रो को पीछे छोड़कर HCL कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। आंसर हो जाएगा आपका सी, HCL। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी हाल ही में विप्रो कंपनी को पीछे छोड़कर देश की तीसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी बन गई है। HCL ने वित्त वर्ष 2019 को पहली तिमाही अप्रैल जून के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें डॉलर रेवेन्यू में 0.8% की बढ़त के साथ 2.05 बिलियन डॉलर हो गया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, हंसराज कॉलेज। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने हाल ही में अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर कॉलेज के पूर्व छात्र एवं UGC के पूर्व चेयरमैन पंचश्री VS चौहान को महात्मा हंसराज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, 28 जुलाई। विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2018 को मनाया गया है। ये दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने वोडाफोन और आइडिया के प्रस्तावित विलय को अंतिम मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने वोडाफोन और आइडिया के प्रस्तावित विलय को अंतिम मंजूरी दे दी है। आंसर हो जाएगा डी आपका, केंद्र सरकार। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के प्रस्तावित विलय को केंद्र सरकार ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी आपका, पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य का नाम बदलकर बांग्ला रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है? तो दोस्तों भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है। आंसर हो जाएगा बी आपका, चीन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन ने हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है, जिसमें दोनों देशों ने शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश के चुनाव 2018 में इमरान खान की पार्टी
पीटीआई आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो दोस्तों इनमें से पाकिस्तान देश के चुनाव में 2018 में इमरान खान की पार्टी पीटीआई आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आंसर हो जाएगा सी आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के चुनाव 2018 में क्रिकेट इमरान खान की पार्टी पीटीआई आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ अभी तक की मतगणना के बाद बहुमत के पास है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पूर्ण राज्य में महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च होगा? तो भारत के केरल राज्य में पहला पूर्ण राज्य में महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए केरल। भारत के केरल राज्य में केरल पर्यटन विभाग के TDC राज्य के राजधानी त्रिवेंद्रम में भारत के पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च किया जाएगा। केरल के पर्यटन मंत्री कड़क पल्लिली सुरेंद्रन ने इसका शुभारंभ किया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों आज की क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये कि हाल ही में रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो दोस्तों ये था 29 जुलाई 2018 का करंट अफेयर, जो कि SSC बैंक रेलवे यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।